वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच एक मज़ेदार ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में यूज़ होती हैं। इस सवाल को पूछी जाती है और मात्र 2 से 3 सेकंड में इसे कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कर रहा है। 10 23 थीटा इंटू 10 7 थीटा इक्वल टू 1, तो 10 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 10 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। आंसर कर दिया। कोई समय लगा? आप लोगों को भी कोई समय नहीं लगेगा। चलिए तो देखिए शुरू से अंत तक। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे आप लोग। देख बाबू, सबसे पहले देखो बाबू, 10 थीटा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्या है, यदि 1, तो 10 थीटा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। तो डेफिनेट है कि आप लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ही 1 होता है, इसके अलावा कभी नहीं हो सकता है 1, समझे कि नहीं। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो डेफिनेट है। अब देख बाबू, 10 थीटा, ध्यान देना, 10 थीटा। अब इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बाबू। देखिए बाबू, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो अब देखिए, ये देखिए कॉट, तो इतना का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, क्योंकि वही 10 थीटा इंटू कॉट थीटा ही लिख रहे हैं। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अब देखो बाबू, तो डिफरेंट है कि इस दोनों का जो योगफल होगा, इसका और इसका योगफल जरूर वो जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जोड़ करके देखो, थीटा अब प्लस क्या है, 90 माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा और प्लस थीटा कट गया, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जब 10 थीटा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री, क्योंकि देखो इसको और इसको जो जोड़े तो उसका जोड़ योगफल कितना आया, 90 डिग्री हो गया। तो इस बात से देखो कैसे बनाए बाबू, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे 10 23 थीटा है इंटू 10 7 थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसका और इसका योगफल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि गुणनफल क्या है, 1। तो 23 थीटा अब प्लस क्या हो गया, देखो 7 थीटा है। अब देखो बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब यहाँ देखो 23 और 7 कितना हो गया, 30। तो 30 थीटा बराबर 90 डिग्री। 30 थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो 30 दिया 90, तो थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 3। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब हमको किसका वैल्यू निकालना, 10 15 डिग्री का। तो देखो बाबू, 10 15 डिग्री, 15 थीटा का, 10 15 थीटा का वैल्यू निकालना है। दिखाई दे रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 10 15 थीटा, तो 10 15 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 3 है, तो देखिए 15 या 45, तो 10 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इसलिए 10 15 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब देखिए आप लोगों को यदि कहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए 10 11 थीटा इंटू 10 7 थीटा इक्वल टू 1, तो 10 6 थीटा का वैल्यू याद करें। तो अब देखिए 10 6 थीटा इक्वल टू वैल्यू, तो देखो यानी 1/√3 आंसर हो गया। आंसर हो गया कैसे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10 क्या है, 11 थीटा इंटू 10 7 थीटा। तो हम जानते हैं जब 10 a इंटू 10 b का वैल्यू यदि 1 होता है, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसलिए 11 थीटा अब प्लस 7 थीटा, यानी 11 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो 11 7 कितना हो गया, 18। 18 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब देखो 18 5 90, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 5 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 5 डिग्री। हमको 10 6 थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 10 6 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 10, ध्यान दीजिएगा, 10 6 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 5 डिग्री। तो देखो 6 5 30, तो 10 क्या हो गया, 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो देखो 10 6 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। तो समझ गए, और याद रखिएगा यही सिचुएशन कॉट में भी होता है। जैसे आपको कहेगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जिस प्रकार से 10 थीटा में 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 रहता है, ए प्लस बी इक्वल टू 1 होता है, तो ठीक यही बात कॉट ए इंटू कॉट बी रहे तो उसमें भी गुणनफल 1 रहता है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो जैसे एक सवाल ले लिए, कॉट 6 थीटा इंटू कॉट 9 थीटा इक्वल 9 थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 5 थीटा का मान निकालें। तो देखो बाबू, तो सबसे पहले 6 थीटा प्लस 9 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 थीटा प्लस 9 थीटा इक्वल टू
होगा 90 डिग्री। अब देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो 15 थीटा बराबर 90 डिग्री। तब देखो 15 6 90, तो थीटा बराबर कितना हो गया 6 डिग्री। तो अब देखो साइन 5 थीटा का मान निकालना है, तो साइन 5 × थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 6, तो देखो 5 6 30, इसका मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो साइन 5 थीटा का हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने से सवाल बनाएंगे। आप लोगों को मैं सवाल दे देता हूँ बनाने के लिए। चलिए 10 3 थीटा × 10 15 थीटा = 1, तो 10 9 थीटा × cos 9 थीटा का वैल्यू निकालें। ये बनाएंगे आप लोग, मुझे बताएंगे कैसा लगा वीडियो, लाइक अवश्य करेंगे यदि पसंद आया होगा तो।